अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल लेफ्ट टू भाई में। दोस्तों सियाव चतुर भाई के साथ हुआ एक ऐसा करिश्मा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये खबर सोशल मीडिया में भी तेजी से फैलती जा रही है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये बात है कुछ दिनों पहले की, जब अजमेर की दो सियाह भाई पार कर चुके थे और मौसम भी धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे थे, जिसके कारण सियाह भाई को पुलिस वाले भाई बार बार रुकने के लिए बोल रहे थे, जिसके बाद करीबी गाँव में रुक कर सियाह भाई आराम करने लगे और ईसा की नमाज अदा करने के बाद सियाह भाई सो गए। फिर जब सुबह हुई तो सियाह भाई पैदल हज के लिए निकल पड़े। इसी दौरान जोहर की नमाज का वक्त हो गया। सियाह भाई ने वजू किया और एक ऊंची जगह पर जय नमाज बिछाकर नियत बांध ली। उसी वक्त अचानक से एक शेर दहाड़ता हुआ आने लगा। सब लोग उसे देखकर डर गए थे और तो पुलिस के हाथ से बंदूक भी गिर गई थी और वो शेर धीरे धीरे सियाह भाई का सामने जा रहा था। फिर पुलिस ने अपने बंदूक उठा लिया और शेर पर निशाना लगाने लगा, लेकिन ये शेर सियाह भाई का सामने पहुंच चुका था और ऐसे में अगर पुलिस गोली चलाती तो सियाह भाई को गोली लग सकती थी। फिर दोस्तों जब सियाह भाई ने सलाम फेरा तो देखा मेरे नजदीक एक शेर बैठा हुआ है। अचानक सियाह भाई ने उस शेर के जाने अपना हाथ बढ़ाया तो शेर ने अपना सर झुका लिया। सियाह भाई ने उनके सर में नहायत प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। सब लोग ये मंजर देखकर हैरान हो गए थे। उसी वक्त शेर ने अपना सर उठाया तो सब ने देखा उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे और कई लोग इस मंजर को देखकर अपनी आंसू रोक ना पाए थे। ये सब क्या हो रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सियाह भाई सब समझ चुके थे। फिर कुछ देर बाद वो शेर उठा और जाने लगा। उसी वक्त सियाह भाई ने कहा, खबरदार कोई शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक आया था, इसे मेरा दीदार करना था, वरना अल्लाह मुझे इस राह में कभी ना लाता। दोस्तों इस बारे में आपको क्या कहना, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही देश और दुनिया की खबर की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल F2 भाई को।